वेलकम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरपीएससी का फर्स्ट ग्रेड का पेपर। और उसका जो फर्स्ट पेपर था, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये एग्ज़ाम हुआ था 9 जनवरी 2020 को। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बी ए का भाई है और सी ए की पुत्री है, डी बी के बहन है और ई सी का भाई है, तो ई का चाचा कौन है? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए अपन एरो का यूज़ करते हैं। मतलब एक लिखने का सेंस होना चाहिए आपके पास। क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, तो लिखने का तरीका देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बी ए का भाई है, तो बी भाई है किसका? ए का। सी ए की पुत्री है, सी पुत्री है किसकी? ए की। डी बी की बहन है, डी बहन है बी की। ई सी का भाई है, ई भाई है सी का, तो ई का चाचा कौन है? तो ई और सी भाई बहन हो गए, क्योंकि ये भाई हो गया और ये सी पुत्री है, इसलिए मतलब ये लड़की है। तो ई और सी भाई बहन हो गए, और ये दोनों किसके बच्चे हैं? ए के। ए का भाई कौन है? बी। ए का भाई कौन है? बी। तो इन दोनों के पिता ए हो गए, और ए का भाई कौन है? बी। तो इन दोनों के चाचा बी हो गए, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है ई का चाचा कौन है, तो ई का चाचा बी हो जाएगा। तो ए का चाचा बी। अगर आप ऐसे एरो बना के करते हैं इन सवालों को, तो बड़े आसानी से हो जाते हैं। और लिखने का तरीका ऐसे भी है कि आप इसे जनरेशन फर्स्ट, मतलब इस लाइन में जनरेशन फर्स्ट लिख दो, इस लाइन में जनरेशन सेकंड लिख दो, और अगर दादा दादी और दिए होते तो इस ऊपर वाली लाइन में और लिख देता मैं, तो वहाँ जनरेशन थर्ड आ जाती। जनरली 3 जनरेशन तक के सवाल आते हैं अपने। अगला सवाल देखिए, एक समीकरण दी गई है आपको, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। समीकरण 4 / 3 + 2 × 4 - 8 = 12। अब ये पूछ रहा है कि नीचे ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग अपन को ये इनको चेंज करने हैं। जैसे 2 और 8 को चेंज कर दिया, और डिवाइड और मल्टीप्लाई को चेंज कर दिया। तो अपन इस प्रकार चेंज करें तो ये इक्वेशन सही हो जानी चाहिए। देखो फिलहाल ये इक्वेशन गलत है। गलत कैसे? देखो ऐसे इक्वेशन को हम जब भी सॉल्व करते हैं जिसमें डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस हो, तो अपन बोर्ड मास का यूज करते हैं। इसमें ये हो गया डिवाइड, ये हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया ऐड, और ये हो गया सब्सट्रैक्ट। सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करते हैं, फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ डिवाइड का ये रहा, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्सट्रैक्ट। तो अगर हम डिवाइड करें सबसे पहले, तो 4 में 3 का भाग लगेगा ही नहीं, और लगेगा तो पॉइंट में आएगा, और बाकी जो भी प्रोसेस होएगी तो फिर नंबर पॉइंट में आना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे 12 आ रहा है जो कि विदाउट पॉइंट है। तो इसका मतलब ये समीकरण गलत है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करनी है कि कौन से सही होगी। तो इसमें सबसे बेस्ट ये रहता है कि आप सबसे पहले ये देख लो कि कौन सी नहीं हो सकती। जैसे 2 और 4 को आपस में चेंज करना है, इसमें ऑप्शन में ये बोला है कि जैसे 2 और 4 को आपस में चेंज कर दो, भाग और गुणा को आपस में चेंज कर दो। तो अब सपोज करो कि मैं 2 और 4 को आपस में चेंज कर दूं, यानी यहाँ पे 4 की जगह तो 2 लिख दूं, और 2 की जगह 4 लिख दूं, और 4 की जगह वापस 2 लिख दूं। तो जब यहाँ मैं 4 की जगह 2 लिखूंगा तो भाग तो फिर भी नहीं लग रहा, मतलब पॉइंटों में लग रहा है अभी भी, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर अगला देखो, एक जैसे ये 4 और 8, ये भी नहीं हो सकता। जैसे यहाँ 4, यहाँ मैं 8 कर दूँ, तो 8 में भी 3 का भाग नहीं लगेगा, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। अब आगे वाले जो 2 ऑप्शन है, जिसमें 2 और 8 को एक्सचेंज करना है, और दोनों ऑप्शन में 2 और 8 को एक्सचेंज करना है, तो ये बात तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं हमें। तो हम 2 और 8 को एक्सचेंज कर देते हैं, यानी 2 की जगह तो हम 8 लिख देते हैं और 8 की जगह हम 2 लिख देते हैं, और बाकी में कोई भी चेंज नहीं करना। तो इसको बाकी को ऐसे के ऐसा लिख दो, ठीक है। अब क्या करना है, भाग को गुणा में चेंज करना है। तो देखो भाग कहाँ पर है, ये रहा,
इसको गुणा में चेंज कर दिया, गुणा को वापस भाग में चेंज करना है, तो यहाँ पे भाग में चेंज कर लिया, बाकी कोई चेंज नहीं करना, प्लस माइनस। अब बस आप इसको सॉल्व करके देख लो, अगर 12 आ जाता है तो ये आपका आंसर है, वरना अगर ये भी गलत हो जाता है तो लास्ट ऑप्शन हो जाएगा, फिर जो लास्ट वो बचा है वो वाला ऑप्शन कर देना फिर। तो अपन बोर्ड मास पे जाते हैं, पहले डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड यहाँ पर ये रहा डिवाइड, तो 8 में 4 का डिवाइड कर दो तो ये 2 आ जाएगा, प्लस 3 × 4 − 2। हाँ फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, तो 4 × 3 = 12, फिर प्लस 2 और माइनस 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, 2 में से 2 गए 0, यानी 12, आपका 12 ही चाहिए था बराबर में, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है, ई का माध्य एम हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो a² + a², b² + c² का माध्य बताना है। तो देखो हमें जो दिया हुआ है पहले वो नोट कर लेते हैं, हमें जो गिवन है वो नोट कर लेते हैं, ए बी और सी का माध्य एम दिया हुआ है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लेता हूँ, राशियों का योग, हम माध्य का सूत्र जानते हैं राशियों का योग, तो राशियां है ए बी और सी, तो इनका योग करना है, ये योग कर दिया, और राशियों की संख्या तो 1, 2, 3 राशियां हैं, और इसका माध्य क्या आ रहा है एम, ये सूत्र ही लिख दिया मैंने डायरेक्ट, तथा ए प्लस एक इक्वेशन और दी हुई है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ये 2 इक्वेशन हो गई। अब आपको पूछा क्या है, ये दोनों गिवन है अपन को, अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा ये है कि a² + b² और c² यानी a² b² और c² का माध्य निकालना है, तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये पूछा गया आपसे। तो देखो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको इसको फाइंड करना है, तो पहले मैं इक्वेशन एक लेता हूँ, इक्वेशन एक का देखो, देखो इक्वेशन एक का क्या करना चाहिए अपन को, देखो a² देखो यहाँ a है और यहाँ क्या है a², तो यानी इसका वर्ग करोगे तो आपको इस a का a² बन जाएगा, तो पहली इक्वेशन उसका वर्ग कर देते हैं हम, इतना एग्जाम में लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक का वर्ग कर दो, तो इसका अपन वर्ग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 3² बराबर m², जब वर्ग करते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और उधर दोनों दोनों पक्षों का स्क्वायर होता है। अब इस बट्टे की संख्या है तो ऊपर वाले का स्क्वायर अलग कर दो, नीचे वाले का स्क्वायर अलग कर दो, तो ऊपर वाले का स्क्वायर a² b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca और बट्टे में 3 का² 9 बराबर m². अब हमारे पास रहा a² + b² + c², अब वो जो 2 कॉमन आ गया उससे अपन ने अलग लिख लिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बट्टे 9 बराबर m². मैंने यहाँ इन तीनों में से 2 को कॉमन लिया और यहाँ लिख दिया, 2 को कॉमन लेकर लिख दिया। अब इसकी जो वैल्यू है वो हमें समीकरण 2 में दी हुई है, इसकी जो वैल्यू है वो समीकरण 2 में दी हुई है कि इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यहाँ 0 रख देंगे, a² + b² + c² ये 0 हो जाएगा और बट्टे 9 बराबर m². अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, a² b² + c² = 9m². अब हमें क्या पूछा था, हमें ये पूछा था कि a² b² c² / 3, तो अब दोनों तरफ 3 का डिवाइड कर देंगे, तो a² b² + c² / 3 = 9m² / 3, ये इसको कट कर देगा तो इसका आंसर आ जाएगा 3m². ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है, यानी माध्य और माध्यिका का अनुपात 2:3 है, तो इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात बताना है अपन को। तो देखो
यानी ऐसे बोल रहा है मध्य और माध्य का, इन दोनों का जो अनुपात है वो है 2:3। तो जब भी आपको अनुपात में दिया हो तो माध्य का मान यानी इन दोनों के आगे x लगा दूँ, तो यानी माध्य का मान हो जाएगा 2x और माध्यिका का मान हो जाएगा 3x। ये इन दोनों का एग्जैक्ट मान आ गया एक बार, लेकिन इसमें अभी x मिसिंग है, x को फाइंड करना पड़ेगा। फिर आगे बोल रहा है कि इन्हीं आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका का अनुपात ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करना है अपन को, तो बहुलक का जो सूत्र होगा, बहुलक का सूत्र लिख लेंगे, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, 3 गुणा माध्य का मान है 3x, 2 गुणा माध्य, माध्य का मान है 2x, 3 गुणा 3 9x और 2 गुणा 2 4x, तो 9x में से 4x माइनस कर दो तो यहाँ रह जाएगा 5x। ये आ गया हमारे पास बहुलक। अब इसमें ये पूछा है बहुलक और माध्यिका का अनुपात, तो बहुलक और माध्यिका का अनुपात पूछा है, तो बहुलक का मान है 5x, माध्यिका का मान है 3x, ये हो जाएगा 5:3। और अगर ऐसे पूछ लेता माध्यिका और बहुलक का अनुपात, तो इसका उल्टा हो जाता 3:5। तो बस आपको एक ये सूत्र याद रखना है, जो माध्य माध्यिका और बहुलक का रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक लंबवर्ती है शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में वृद्धि या कमी का पूछा जाता है, तो इसमें आपको एक आकृति बता दी जाती है, जैसे इसके अंदर शंकु बताई है, और एक या तो इसके आयतन का पूछ लिया जाता है, और कई बार 2D आकृति होती है जैसे आयत वर्ग, तो उनके क्षेत्रफल का पूछ लिया जाता है कि उसमें कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो आकृति तो यहाँ शंकु बताती है और उसका आयतन पूछा है, तो बस आपको यहाँ पे शंकु का आयतन का सूत्र याद रहना चाहिए। तो शंकु का आयतन होता है एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे जो आर है, आर का मतलब हो गया त्रिज्या और एच का मतलब हो गया ऊंचाई। अब इसके बाद आप ये कर सकते हो कि त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में 10% की वृद्धि की गई है, तो इस बात को ऐसे नोट कर सकते हो कि अभी जो त्रिज्या है आर, वो है आर इंटू 100/100, ये वापस 100 से 100 कट के आर का आर ही रह जाएगा, ठीक है। तो अब आर में 10% की वृद्धि करी है, तो मैं यहां लिख सकता हूं, यानी 100 पर 10% की वृद्धि करिए तो ऊपर आ जाएगा 110/100, 110/100 आर स्क्वायर। अगर यहाँ पे 10% की कमी की होती तो मैं अगर यहाँ 10% की कमी की होती तो यहाँ पे लिखा जाता 90/100, और ऊंचाई में भी 10% की वृद्धि करिए तो यहाँ पर भी अपन लिख देंगे 110/100 एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इनको साइड में लिख देते हैं अपन एक बार, 110/100 की पावर 2 है और 110/100 की पावर 1 है, तो कुल मिला के हो जाएगा 110/100 की पावर 2, तो यहाँ है और 1 यहाँ है, 3 हो जाएगी, 0 से 0 कट रहा है। अब इसका मतलब हो गया 11^3/10^3, ये सारे स्क्वायर एच को इधर लिख देता हूँ एक बार, 11^3 हो गया 1331 और 10^3 हो गया 1000, यह आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
और ये आ जाएगा, ये 3-0 है तो 1 2 3, और फिर ये 1 का यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.331। यानी ये आयतन पहले इतना था और अब आयतन इतना है। अब इसमें कितनी वृद्धि हुई है, तो इसमें से अगर अपन इसको माइनस करेंगे तो ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, और ऐसे मान लेता हूँ इसका मल्टीपल 1 है, तो ये और ये कॉमन आ जाएगा, इसमें से ये माइनस होएगा, तो देखो इसमें से 1 माइनस कर दो, इसमें से 1 माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 0.331। इतनी वृद्धि हुई है। अब अगर मैं इसको 100 पे निकालूं, यानी इस पॉइंट को हटा दो आप 100, और 100 का बन जाएगा 33.1%, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको बस एक आयतन का, जिस भी चीज का पूछा है वृद्धि का, तो उस आयतन का सूत्र पता होना चाहिए। फिर आपको कितनी वृद्धि के लिए कहा है, तो 100, जैसे 10% वृद्धि का तो 110/100, और ऊंचाई में भी 110/100 जाएगा। फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, लास्ट में यहाँ पे जो मल्टीपल आए उसमें से इस 1 को माइनस कर दो। इसकी अगर आप इसको नोटिस भी नहीं करो और इसको नोटिस नहीं करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको इसमें से 1 माइनस करना है, तो जो बचेगा उसमें 2 डिजिट इधर की तरफ इसका दो 33.1, तो ये 33.1% ही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 × 33 × 24 सेंटीमीटर क्यूब विमाओं वाले एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाया जाता है, तो इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब ये पिघलाने वाले सवाल आते हैं तो इनमें आपको एक वस्तु से, मतलब एक आकृति से दूसरी आकृति दी जाती है, तो यहाँ पर कौन सी आकृति दी हुई है, लोहे के टुकड़े को पिघलाकर, एक ठोस लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक ठोस गोला बनाना है। तो देखो लोहे के जो टुकड़ा है वो, उसकी आकृति देखो कैसी है, 49 गुना उसका जो माप दिया हुआ वो क्या है, 49 × 33 × 24, यानी वो एक घनाभ है, ठीक है। 49 उसकी लंबाई हो जाएगी, 33 उसकी चौड़ाई हो जाएगी, 24 उसकी ऊंचाई हो जाएगी, मतलब आपको एक घनाभ दिया हुआ है, उसको पिघलाकर आपको एक गोला बनाना है, ठीक है। तो जब भी पिघलाकर एक चीज, एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाती है, तो उसका आयतन तो उतना ही रहता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आता, आयतन पहले जितना था, आयतन कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट शेप बदल गई उसकी, लेकिन आयतन उतना ही रहेगा। तो अपन ऐसा जो भी सवाल हो तो दोनों का आयतन बराबर रख दो और सवाल को सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे दिया अपन लिख लेते हैं घनाभ का आयतन बराबर गोले का आयतन, घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, लेंथ विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई, और गोले का आयतन 4/3 πr³ होता है। एल बी एच आपको दिया हुआ है 49 × 33 × 24, इन तीनों की जगह ये तीनों आ जाएंगे 4/3 πr³। अब आपको गोले की त्रिज्या पूछी है, यहाँ पर आर क्या है, गोले की त्रिज्या है, ये फाइंड करनी है। तो 3 का पक्षांतरण कर देंगे, तो 49 × 33 × 24 × 3, 4 का पक्षांतरण कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। फिर पाई का मतलब हो गया 22/7, 7 का पक्षांतरण करेंगे, फिर 22 का पक्षांतरण करेंगे तो 22 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे छोड़ दो सिर्फ r³ को, ये कट रहा है 11 से 3 बार, ये कट रहा है 11 से 2 बार, 4 और 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, 8 से ये कट जाएगा 3 बार। अब देखो यहाँ पे क्यूब है तो मैं इसको इधर भेजूंगा तो इधर घनमूल हो जाएगा, और घनमूल के लिए जरूरी होता है 3 3 के जोड़े बनाने, तो 49 को अपन लिख सकते हैं 7 × 7, और 1 7 ये रहा, तो 7 × 7 × 7, यानी 7 के तो 3 जोड़े बन चुके हैं, और 3 देखो 1 2 3, 3 के भी 3 जोड़े बन जाएंगे, और बराबर में r³। अब इस क्यूब को इधर भेजेंगे, या मैं डायरेक्टली लिख दूं कि 3 3 के जोड़े बन जाते हैं, और यहाँ इस तरफ r³ है, तो r³ को इधर भेजने का मतलब इस दर का घनमूल निकालना, और घनमूल निकालते हैं तो 3 जोड़े के स्थान पर एक अंक लिख दिया जाता है, जैसे 7 के 3 3 जनों के जोड़े बन गए तो यहाँ पे 7 लिख देंगे, और 3 के भी 3 3 का भी 1 जोड़ा बन रहा है तो 3 की जगह 3 लिख देंगे, बस यही आपका आंसर हो जाएगा कि r बराबर
21। तो ऐसे कोई भी दो आकृति दियो तो दोनों का आयतन बराबर रख दो, अगर पिघलाने वाले सवाल ले तो। अगला क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है अगला। दिए गए अनुक्रम में अगला पद क्या होगा? तो पहले मैं यहाँ सीरीज नोट कर लेता हूँ। 8, 10, 18, 44 और 124। सबसे पहले सीरीज में आप ये चेक कर लिया करो, अगर सीरीज का क्वेश्चन आए तो, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो पहले सीरीज का क्वेश्चन स्किप कर देना ही बेटर रहेगा। पहले आप अपना पूरा पेपर कर लीजिए, अगर लास्ट में टाइम रहे तभी सीरीज को देखिए, वरना टाइम काफ़ी वेस्ट हो जाएगा अगर ये सॉल्व नहीं होती तो। फिर भी हम कोशिश करते हैं। सीरीज में सबसे पहले तो ये चेक कर लीजिए कि जो सीरीज है वो बहुत जल्दी बढ़ रही है या फिर धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर बहुत जल्दी बढ़ रही है तो यानी वो मल्टीप्लाई में बढ़ रही है, और अगर धीरे धीरे बढ़ रही है इसका मतलब उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो 8, 10, 18 इसका मतलब एक ज़्यादा स्पीड नहीं है अभी, जैसे यहाँ पे 8, यहाँ पे 80 हो जाता है, यहाँ पे मान लो 400 हो जाता, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 8 और 10 क्या ऐड किया जाए कि 8 में 2 ऐड कर दिया जाए तो 10 आ जाएगा, 10 में क्या ऐड करें कि 18 आ जाए, 8, और 18 में क्या ऐड किया जाए कि 44 आ जाए, 26 ऐड कर दिया जाए, और 44 में क्या ऐड कर दिया जाए अस्सी ऐड कर दिया जाए। अब हमें अगला पद फाइंड करना है, अगला पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाए कि अगला पद आ जाए अपने पास। तो अब इनमें सीक्वेंस देखा जाएगा कि क्या किस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है। तो देखो 2 और 8, 26, उसके बाद 80, यानी 2 से डायरेक्ट 8 आ गया, यानी 6 ऐड हुए होंगे, फिर 8 से 26 आ गया, तो 6 तो ऐड हुए नहीं, मतलब एक कंटिन्यू सीक्वेंस तो नहीं चल रहा है यहाँ पर। इसके बाद ये चेक कर लो कि 2 से आप 8 को किस तरह बना सकते हो। तो देखो मैं 2 को 4 से गुणा करके बना सकता हूँ, फिर देखो 8 को 4 से गुणा करके बन रहा है, नहीं बन रहा, तो ये मतलब ये सीक्वेंस भी गलत है, मतलब ये तरीका भी गलत है। फिर 2 को ये किया जा सकता है कि अगर मैं 2 को 3 से गुणा करूं और फिर वापस 2 ऐड कर दूं, तो 2 गुणा 3 6, 6 और 2 8 आ रहा है। फिर ऐसा ही यहाँ पर करके देखते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा तो ये हो रहा है, 2 गुणा 3 24, ए नहीं 8 गुणा 3, जैसे यहाँ 2 को अपन ने लिखा फिर उसको 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, तो वैसे 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया तो 26 आ जाएगा, 8 गुणा 3 24 और 2 26। ऐसा ही यहाँ ट्राई करते हैं, 26 गुणा 3 फिर 2 ऐड कर दिया, तो एग्जैक्ट ये काम कर रहा है ऐसा। तो यही प्रोसेस अब आगे लगाओ आप, यानी 80 में 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड कर दिया, तो ये हो गया 240 प्लस 2, 242, तो यहाँ ऐड आ जाएगा 242। अब इसके अंदर 242 ऐड कर दो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 336। इसमें सोचने का काम थोड़ा ज़्यादा लगता है, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो अगर लास्ट लास्ट टाइम में अगर आपके ज़्यादा समय बच रहा हो तभी की करो इस सवाल को, वरना कोई दूसरा सवाल पहले कोशिश करो करने की। अगला क्वेश्चन देखो, एक बहुपद दिया गया है पी एक्स बराबर x-2 का स्क्वायर प्लस 4, इसके शून्यों की संख्या बतानी है, मतलब x की कौन सी वैल्यूज होगी जिन पर इसकी पूरी वैल्यू 0 आ जाए। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको सबसे पहले इसके शून्य पूछे जाए तो इसको पहले सबसे पहले शून्य के बराबर ही रखो। अब जिन पदों में एक्स नहीं हो तो उनको उस तरफ पक्षांतरण कर दो, जैसे 4, तो 4 को उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का चिन्ह माइनस का 4 हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजोगे तो ये रूट में चेंज हो जाएगा। 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, और वो भी प्लस माइनस के साथ, जब भी रूट करो तो प्लस माइनस, और 4 का रूट 2,
जब माइनस का रूट करते हैं तो अपन आयोटा लगाते हैं साथ में। अब माइनस दो का पक्षांतरण कर दो तो प्लस का दो और प्लस माइनस दो आयोटा। प्लस एक बार अपन प्लस की वैल्यू यूज करेंगे तो इसको ऐसे लिख देंगे, और एक बार माइनस की वैल्यू यूज करेंगे तो इसको ऐसा लिख देंगे। तो इस इक्वेशन का मान 0, एक्स की एक वैल्यू और दो, इन दो वैल्यू पर इस इक्वेशन का मान 0 हो रहा है। तो ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, इसके 0 हो जाएंगे। ये पूछा है कि इसके शून्यों की संख्या कितनी है, तो ये दो शून्य मिल रहे हैं इसके, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक इक्वेशन दी हुई है, दो इक्वेशन दी हुई आपको, 3x+y = 81 और 81x - y = 3। अब आपको ये बताना है कि x और जो y है यूज हो रहे हैं, इनकी वैल्यू क्या है। तो जब भी ऐसे पावर के क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले इनके जो ये नीचे जो है ये बेस है इस इक्वेशन में, तो इसका बेस तो ये है और इस पावर का बेस ये है। तो पहले काम अपन बेस को हटाने का करेंगे, फिर अपन इनको एक्स वाई को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले बेस को हटाया जाता है। अब यहाँ पर बेस हटाने के लिए आप क्या करो, इक्वेशन के दोनों तरफ सेम संख्या कर दो, यानी इधर तो 3 है, इधर 81 को भी 3 में कन्वर्ट कर दो। अब मैं यहाँ 3 लिख दूँ तो 3 की कितनी पावर करूँ कि 81 बन जाए, तो 3 की पावर अगर मैं 4 करूँ तो 81 हो जाएंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ के बेस सेम है, अगर दोनों तरफ के बेस सेम हो और बीच में इक्वल का चिन्ह हो तो दोनों तरफ की पावर भी सेम हो जाती है। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ x+y = 4 है। सेम ही प्रोसेस मैं इस तरफ करता हूँ एक बार। इक्यासी को मैं लिख देता हूँ 3 की पावर 4, x - y = 3। अब ये जो पावर है और पावर है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4y से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा = 3। और यहाँ 3 की पावर कितनी है, 1। तो ये हो जाएगा, अब दोनों तरफ बेस सेम है तो ये जो पावर है दोनों तरफ की इक्वल हो जाएगी, 4x - 4y = 1। अब एक इक्वेशन मेरे पास ये है और एक इक्वेशन मेरे पास ये है। अब एक्स वाई में जब दो समीकरण आ जाएं तो दोनों में से पहले अपन एक को, जैसे चाहे एक्स को विलुप्त कर दो चाहे वाई को विलुप्त कर दो। अब विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ देखो जैसे वाई का मल्टीपल क्या है, 1 है, यहाँ वाई का मल्टीपल क्या है, -4 है। तो अगर तो इक्वेशन एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x+4y = 16, और जो दूसरी इक्वेशन थी उसको एज इट इज लिख लेंगे। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये तो कट हो जाएगा, क्योंकि 4y और ये -4y दोनों ऐड जुड़ेंगे तो कट हो जाएंगे, और 4 और 4 8x, और 16 और 1 17, तो x = आ जाएगा 17/8, ये 8 का डिवाइड हो जाएगा। अब x की वैल्यू मिल गई तो x की वैल्यू इक्वेशन एक में रख दो, इक्वेशन एक थी x+y = 4, तो x तो अपन को मिल गया 17/8+y = 4। यहाँ से y निकाल लो, 4 - 17/8, तो 8 × 4 = 32, 32 - 17 ये हो जाएंगे 15, 15/8, यानी y = 15/8। दोनों वैल्यूज हमें मिल चुकी है। एक क्वेश्चन और है क्या, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है 4 सेंटीमीटर लंबाई के एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर लंबाई के छोटे घनों में प्राप्त करने के लिए इस घन को कितनी बार काटा जाएगा। मतलब आपके पास एक घन है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो मैं घन मान लेता हूँ, ये अपने पास एक घन है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है।
अब इसको कितनी बार कट किया जाए कि एक एक सेंटीमीटर घन प्राप्त हो जाए अपन को। तो देखो, अगर आप इसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली समझो, तो अगर एक बार अपन इसको ऐसे काटें, मतलब चाकू से अपन इसको इस प्रकार काटें, तो ये एक लेयर इसकी अलग हो जाएगी। फिर दूसरी बार इसको चाकू से काटें, तो दो बार कट कर चुके हैं। फिर तीसरी बार इसको चाकू से काटें, तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये पूरी एक लेयर बनेगी ऐसे करके, वो अलग हो जाएगी। फिर दूसरी, फिर तीसरी और चौथी, 4 लेयर बन गई। अब अगली बार मैं इसको ऐसे कट करूँ, यानी ऊपर से ऐसे कट करूँ, तो यहाँ नीचे तक कट हो जाएगा, ये एक लेयर ऐसे बन गई। फिर दो, और एक बार और कट करना चाहता हूँ मैं इसको, 3 बार। 3 बार हमने ऐसे चाकू चलाया, 3 बार हमने ऐसे चाकू चलाया। अब इस बार चाकू को इस डायरेक्शन से कट करेंगे, आगे की तरफ से, ताकि ये ऐसे कट हो जाए। अभी हमारे पास ये एक जो पीस निकल के आएगा यहाँ पर, इसकी विड्थ विड्थ लेंथ हाइट तीनों क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर की हो जाएगी। क्यों? जैसे टोटल 4 सेंटीमीटर था, तो 1, 2, 3, 4 बराबर टुकड़े कटे हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा कितने का होगा, 1 सेंटीमीटर का। ऐसे भी 4 था, तो 1, 2, 3, 4, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या हो जाएगा, 4। और ऐसे भी 4 था, तो 1, 2, 3, 4, तो 1-1 सेंटीमीटर के 4 4 टुकड़े कट चुके हैं। तो हमने 3 बार ऐसे कट किया था, 3 बार ऐसे कट किया, और 3 बार यहाँ से कट किया। अब मैं आपको सिंपली एक प्रोसेस समझा दूँ कि करना क्या था। अगर 4 सेंटीमीटर की है और आपसे ये पूछा जाए कि इसे 1 सेंटीमीटर के बनाने हैं, ठीक है, तो हम देखो इसे 1, 2, 3, 4 चार भागों में काटेंगे, तो उसके लिए लाइनें हमें 1, 2, 3 बार खींचनी है, ठीक है। अगर 4 सेंटीमीटर से आप 1 सेंटीमीटर में जाना चाहते हो, तो 3 बार लाइन खींचनी है। और ऐसी 3 विमाएं हैं, यानी 3 दिशा है, तो यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 बार। और ऐसे भी आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका आंसर 9 आ रहा था। तो आप कैसे भी सवाल को कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा। अगर आप आरपीसी की तैयारी कर रहे हो, या आपका कोई साथ वाला आरपीसी की तैयारी कर रहे हो, तो उसे शेयर करना वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू।